खरगोन जिले में विगत 14 वर्ष से पंचकोशी यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष शनिवार को यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा शहर के नवग्रह मंदिर से शुरू होकर कालिका माता मंदिर, गणेश मंदिर से सराफा बाजार बस स्टैंड होते हुए नागझिरी पहुंची। यहां यात्रा का पहला पड़ाव होगा। यात्रा में शहर सहित आसपास के हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंदिर में महाआरती कर कोरोना से बचाव के लिए शपथ ली और मास्क का वितरण कर यात्रा शुरू की। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते प्रशासन स्तर पर सतत प्रयास हो रहे हैं। श्रद्धालुओं ने भी कोरोना महामारी से निपटने के उद्देश्य को लेकर पंचक्रोशी यात्रा निकाली। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। है ये पंचकोशी नवग्रह यात्रा का और इसका मुख्य उद्देश्य है कि माँ नर्मदा की पंचकोशी यात्राएं तो होती रहती है, लेकिन साथ में नवग्रह देवता जो हैं वो पूरे हमारी सुरक्षा करते हैं और उन्हीं के द्वारा सारा संकट हल होता है। उसी के तारतम्य में नवग्रह पंचकोशी यात्रा का प्रारंभ हुआ है। जैसे कि आप देखें कि कोविड-19 की बीमारी में भी भारत के ग्रह योग देखे गए कि भारत के ग्रह योग में क्या है और उसमें क्या होना है, तो लाभकारी योग भारत के लिए थे, इसीलिए भारत का 10वें नंबर से स्थान नीचे उस सूची से आ गया है और हम कोरोना महामारी से मुक्त हो गए हैं। और हमारी पंचकोशी यात्रा का भी मुख्य उद्देश्य अभी कोरोना काल में यह है कि हम सभी जो है माँ नर्मदा से प्रार्थना, नवग्रह से प्रार्थना करते हैं कि इस संक्रमण बीमारी महामारी से हम मुक्त हो, हमारा देश मुक्त हो, निमाड़ की जनता खुशहाली से रहे और आनंद से सभी रहे। कितने दिन की यात्रा होती है? ये 5 दिन की यात्रा है। पहला दिन आज नवग्रह मंदिर से प्रारंभ होगा, जो मेहरजा होते हुए बड़गांव और नागझरी में पहला विश्राम होगा। दूसरे दिवस जो है यात्रा का उमरखली में विश्राम होगा और उमरखली से होते हुए संतोषी माता मंदिर होकर बड़घाट कुंदा तट पर, वहाँ पर तीसरे दिन का विश्राम होगा। चौथे दिवस हमारी यात्रा बड़घाट से प्रारंभ होकर बिठोरी होते हुए बेड़ियाँव बाबा जी के समाधि स्थल इंद्र टेकड़ी पर विश्राम करेगी। रात्रि विश्राम चौथे दिन का होकर पांचवें दिन पुनः यात्रा 11 बजे के लगभग यहाँ नवग्रह मंदिर आके आरती पूजन होके संपन्न होगी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा, खलगाट से। ये तिथि ये नवग्रह शांति करने के लिए निकले हैं। 14 वर्ष हो गए, ये 11 से 8 वर्ष तक चलती है। क्या उद्देश्य क्या इसका? इसके नवग्रह शांति होते हैं हमारे देश में जब भी कोई क्या क्या सोच है आपकी इसके? हमारी ये सोच है कि हमको 14 वर्ष हो चुके हैं और ये पंचकोशी 40-50 आदमी से हमने शुरू करी थी। आज हमारे भाग्य है कि आज हमको इतना जन सैलाब देखने के लिए मिल रहा है और आज ये तो कोरोना के कारण पब्लिक हमारी थोड़ी कम आई है और हमने इसके साथ साथ 8-10 पंचकोशी और शुरू करी है, एक छिरवेल की, एक ऊन की, एक सेगांव की, एक सगुर भगुर माई की, एक नन्नेश्वर की। ये पंचकोशी हमने, ये हमारी एक धारणा, एक बाबा जी हमको कह गए थे कि तुमको 11 पंचकोशी करना है और करवाना है, तो ये हम 11 का उसका प्रयास कर रहे हैं और आगे चल के हमारी सभी पंचकोशी सफल होए और इस करुणा को मार कर नवग्रह महाराज भगा कर इसको चीन में छोड़ के आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।